हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे यूब्रेक्स आई ड्रॉप्स के बारे में, जो कि एक लुब्रिकेंट है जो कि सूखी आंखों से छुटकारा पाने में मदद करता है लुब्रिकेंट। ठीक है, ये माइक्रोलेप्स बनाते हैं और इस लुब्रिकेंट के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं। लुब्रेक्स आई ड्रॉप एक आँख का लुब्रिकेंट या कृत्रिम आंसू है जिसका इस्तेमाल सूखी आंखों से राहत के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आंखों की चिकनाई बनाए रखने के लिए पर्याप्त आंसू नहीं बनते हैं, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ये आंखों की उचित चिकनाई बनाए रखने में मदद करता है और आंखों में दिखाई देने वाली जलन और जलन को शांत करने में भी मदद करता है ये आई ड्रॉप। अब लुब्रेक्स आई ड्रॉप आमतौर पर जरूरत पड़ने पर ली जाती है और बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इसको नहीं लेना है। आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको कितनी बूंदों की संख्या का प्रयोग करना है और आपको इस दवा को लेने से पहले, अगर आप ये लुब्रेक्स आई ड्रॉप ले रहे हैं और इसके बाद आपको कोई सी अन्य दवा अपने आँखों में डालनी है, तो आपको 5 से 10 मिनट की प्रतीक्षा करना पड़ेगी। उसके बाद ही आपको इस आई ड्रॉप को लेना है। अगर आप ये आई ड्रॉप की बॉटल खोल रहे हैं और बॉटल खोलने से पहले ही आपको सील टूटी हुई मिली है, तो आपको इस बोतल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आप जब भी अपने आंखों में आई ड्रॉप डालेंगे तो हमेशा सबसे पहले अपने हाथों को धोना है और ड्रॉपर के सिर को नहीं छूना है। ठीक है, इसलिए ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि यह आपकी आंखों का संक्रमण कर सकता है और आपके आंखों के संक्रमण को बचाने के लिए हमको ये सब प्रिकॉशंस लेना पड़ेंगे। इस दवा का लंबे समय तक उपयोग की आवश्यकता हो सकती है और जब तक आप इस दवा को उपयोग कर रहे हैं तब तक आपको ये सब सुरक्षित उपाय को अपनाना और मानना पड़ेगा। अब इसका लुब्रेक्स आई ड्रॉप का उपयोग सूखी आंखों के उपचार के लिए किया जाता है। अब साइड इफेक्ट के बारे में बात करें लुब्रेक्स आई ड्रॉप की, तो आंखों में जलन हो सकती है, आंखों में परेशानी हो सकती है, आंखों में खुजली हो सकती है और आंखों में दर्द भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट थे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।